दोस्तों मैं अभी डीजल डाल के निकल गया हूँ, अभी खैराफाटा से बोईसर तारापुर से निकल गया हूँ मैं, दुकान पे आ गया हूँ। हमारा पीछे वाला गाड़ी भी आ गई है, देखिए हमारा उस्ताद भी आ गया है, लाला उस्ताद कैसे हैं? दोस्तों मैं शाहपुर से 10 किलोमीटर पहले पहुँचा हूँ वासिन, ये देखिए सर्विस रोड में गाड़ी मैं लगाया हूँ, ये देखिए। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, नए ब्लॉग में स्वागत है। सुबह का 11 बजा है और दोस्तों मैंने रात को सफाला से गाड़ी ला के टाटा कंपनी में डाला रात को गाड़ी, और अभी 11 बज रहा है दोस्तों, मैंने अभी टाटा से बाहर निकाला गाड़ी, ये देखिए मैं रास्ते में रोड पे लगा के खड़ा किया हूँ, ये देखिए टाटा कंपनी के बाहर में खड़ा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अभी हिमांशु साकरे का कॉमेंट आ रहा था नागपुर से कि आप माल भरिए नागपुर का, कभी आइए, तो दोस्तों बहुत दिन के बाद ये नागपुर का माल मिला है और मैं यहाँ से अभी भर के निकल रहा हूँ दोस्तों। 25 टन की गाड़ी में भरा हूँ नागपुर का, तो ठीक है दोस्तों अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। अभी टाटा के अंदर ही मैंने नहा धो के फ्रेश व्रेश हुआ दम, अंदर कुछ बहुत सेफ्टी है तो नहा धो के अभी निकला, कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं डीजल डालने, अच्छा डीजल डालेंगे, टाकी फुल कराएंगे और देखते हैं कितना दिन में पहुँचते हैं नागपुर, कितना दिन लगता है। तो ठीक है दोस्तों हम चलते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों मैंने ट्रक स्टार्ट कर लिया हूँ, अब ऑयल पानी भी चेक किया, देखा सब ओके है, टायर में भी हवा ओके है, तो चलिए अभी डीजल डालते हैं, निकलते हैं धीरे धीरे। दोस्तों मैं पेट्रोल पंप पे आया हूँ, सिद्धि विनायक पेट्रोल पंप पे, ये देखिए, और ये ट्रेलर लगा है, अब इसमें डाल रहे हैं डीजल है, इनके बाद चलेंगे, अब यहाँ पे फुल कराएंगे, देखिए आगे गाड़ी ले रहे हैं। ये देखिए टाकी फुल हो गया है 26,500 में। तो दोस्तों मैं डीजल डाल लिया हूँ 26,500 का, 291 लीटर 4 कुछ आया है, तो चलिए हम चलते हैं अब धीरे धीरे। तो दोस्तों मैं अभी डीजल डाल के निकल गया हूँ, अभी खैराफाटा से बोईसर तारापुर से निकल गया हूँ मैं और चलता हूँ धीरे धीरे। अभी क्या एक गाड़ी और दो गाड़ी गई है, दो गाड़ी और गई है और वो गाड़ी आगे धीरे धीरे जा रही, मुझे भी बोले कि आप लोग भी आओ पीछे से, आप आइए पीछे से। तो मैं अभी पहुँच रहा हूँ क्योंकि समृद्धि पे चढ़ेंगे और समृद्धि से सीधा डायरेक्ट नागपुर पहुंचेंगे, इसलिए डीजल फुल करवा लिए ताकि रास्ते में कहीं डीजल डालने का टेंशन नहीं है। 300 लीटर समझ लीजिए, इसमें भी कुछ बैलेंस डीजल था, अब इसलिए 350 लीटर डीजल हो गया टाकी में। मैं पहुंच रहा हूं दोस्तों, अभी क्या वाड़ा सिरिसवाड़ा से घूमते हुए वासी जाएंगे, वासी से कैतारा इगतपुरी से चढ़ेंगे समृद्धि पे। अब ये रास्ता थोड़ा जंगली रास्ता है, धीरे धीरे जाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों तो चलते हैं। A few moments later. तो मैं अभी आया हूँ नागेरी फाटे पे और ये गाड़ी पीछे से आ रही है, वो भी बोला रुकने के लिए, मैं रुका हूँ। ये देखिए अधिकारी लाइफ लाइन हॉस्पिटल के सामने खड़ा हूँ, ये देखिए नागेरी है और यहाँ पे सामने जो ये वहाँ पे किराना दुकान है। तो दोस्तों मैं चलता हूँ किराना दुकान पे क्योंकि राशन भर लेता हूँ, रहेगा तो बनाने खाने के लिए अच्छा रहेगा, चावल और तेल ख़त्म हो गया, राशन में कुछ है नहीं, तो देख के ले लेता हूँ। अभी सहारा सभी चीज़ मिलेगा नहीं, आगे कहीं देखेंगे,
इसलिए अभी चलता हूँ, चावल और तेल वेल ले लेता हूँ। तो मैंने किराने दुकान पे आ गया हूँ, हमारा पीछे वाला गाड़ी भी आ गई है, देखिए हमारा उस्ताद भी आ गए हैं। लाला उस्ताद कैसे हैं, अभी आए ना किस माल भर के आ गए हैं? और ये देखिए हम सेठ की तरह आए हैं, ये मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं और ये मनपसंद चावल, देखिए एक तो मैंने ये देखिए चावल तेल ले लिया हूँ और हमारा गाड़ी वो आगे निकल रही है, आगे आगे जा रही है, लाइट दे रहा क्योंकि उनको टायर डालने का है। अरे लला ठीक है, चलो चलो चलो, वो टायर डालना है जोड़ी, आगे जाके टायर डालेंगे, तब तक मैं पीछे से पहुँचूँगा, नहीं तो आगे जाके खड़ा रहूँगा, ऐसा करेंगे हम लोग। तो चलिए अब चलते हैं ट्रक में, चलता हूँ सेठ। तो दोस्तों मैंने राशन ले लिया हूँ, अब चलता हूँ धीरे धीरे, पीछे का गाड़ी आगे गई है, चले निकलते हैं। तो दोस्तों मैं चिल्हार फाटा से राइट मार दिया हूँ, हाईवे पे चढ़ गया हूँ, अब आगे जाके मोनोर से लेफ्ट मार देंगे, ट्रेन होते हुए जाएंगे, तीन गाड़ी आगे आगे जा रही है, चलते हैं धीरे धीरे। दोस्तों मैं पाली में रुका हूँ, शाम के 3 बजने वाला है, अभी टायर ठंडा होता है तब तक तो चलते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। अभी हाईवे पे जाएंगे, समृद्धि हाईवे के पहले या 8-3 नंबर हाईवे पे या तो उधर कहीं कुछ बनाया जाएगा, तब तो चलते हैं चाय पीने, तब तो टायर ठंडा हो रहा पे। गाड़ी लगाया हूँ और मैं आया हूँ यहाँ चाय पीने, लेकिन ये टपरी वाला है नहीं है, कहीं गया है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों मैंने अभी गाड़ी रोका हूँ आगे, एक भंगार की कंपनी है, देखिए हमारा उस्ताद इधर ही आए हैं भरने के लिए, इनका गाड़ी लोड हो रहा है अंदर कंपनी में, तो यहाँ पे अभी टपरी पे चाय पीते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा मिल लेंगे इनसे, क्या हालचाल है, क्या विनोद भाई कैसे हैं, चाय पी रहे हैं? चाय पी रहा हूँ, पीजिए अभी। ये देखिए चाय भी यहाँ पे गरम गरम अच्छा है, टी स्टॉल पे मिल रहा। दुकान का नाम है जलने वालों की दुआ। क्या नाम है? होटल जलने वालों की दुआ। देखिए ये क्या मेडी कर रहे हैं भाई साहब, टीना कंपनी के सामने, टीना कंपनी के सामने, टीना कंपनी के सामने, ये वाड़ा के पहले आता है ना, ठीक। तो दोस्तों चाय नाश्ता पी के तो निकल गया अभी, चल मैं रुका हूँ, एक भाजी वाला है वहाँ पे चलता हूँ, भाजी ले लेता हूँ, बनाने के लिए अच्छा रहेगा। अभी इसके आगे कुछ मिलेगा नहीं राशन पानी, तो चलते हैं देखते हैं। ये फ्लावर कैसे दिए बचिया, और सिंगा सिंगा, हाँ सिंगा, वाह। बटाटा है, बटाटा है, क्या भाव है उनके पता है? एक काम करो, एक फ्लावर दे दो। तो मैंने भाजी ले लिया हूँ और ये देखिए सिंगा, फ्लावर, टमाटर, सेब, थोड़ा नाश्ता खेलने के लिए, चलिए तब अभी चलते हैं हाईवे की तरफ। देखिए दोस्तों शाम के 6 बज गया है और बादल लग गया है, पहाड़ी से नम हवा आ रहा है, एकदम ठंडा ठंडा और तेज हवा पा रहा है, इतना मानसून अच्छा बना है दोस्तों, इतना अच्छा खूबसूरत नज़ारा है एकदम। ये देखिए कैसा है ये नज़ारा, ये बादल भी बहुत मस्त लगा है, ठंडा ठंडा हवा पा रहा है, तेज हवा पा रहा है, झुरु झुरु एकदम टायर ठंडा हो गया दोस्तों। ये देखिए यहाँ थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रास्ता खराब है,
देखिए शाम के टाइम हो गया, दिया बत्ती का टाइम हो गया है। तो मैं शाहपुर से 10 किलोमीटर पहले पहुंचा हूँ वासिन। ये देखिए सर्विस रोड में गाड़ी मैं लगाया हूँ, ये देखिए, और बारिश बहुत ज़ोरदार गिर रहा है दोस्तों। मैं छतरी भी लगा लिया हूँ, देखिए ये देखिए गाड़ी कितना ज़ोरदार बारिश गिर रहा है, गाड़ी के ऊपर से पानी गिर रहा था वैसा ज़बरदस्त। ये देख रहे हैं अभी जस्ट मैंने गाड़ी खड़ा किया और टायर देख रहा था, ये देखिए यहाँ पे। और उधर बम्बई में बारिश नहीं है, देख रहे हैं अब ये पत्थर भी निकालना है सब, बहुत पानी का धार बह रहा है देखिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ पे 40 किलोमीटर है कैसारा, वहाँ पे जो आगे गाड़ी गई है उसका टायर पंचर है, तो वहाँ पे टायर बना रहा हूँ, बोला कि आओ उधर ही रुकेंगे, वहीं पे कहीं खाना बनाएंगे दोस्तों। तो ठीक है मैं यहाँ पे से निकल रहा हूँ धीरे धीरे। ये देखिए सब गाड़ियाँ निकल रही बारिश में, टायर ठंडा हो जाता है ना, ये देखिए कैसे पानी गिर रहा है, टेलर पर पानी कैसे गिर रहा। चलिए चलता हूँ धीरे धीरे, लाइन लग गया एकदम रात में, बारिश भी एकदम जोरदार गिर रहा है दोस्तों। दोस्तों कैसारा चढ़ गया हूँ, ये देखिए अभी धुआं धुआं रोड पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों रात को 10:30 बज गया है और मैं इगतपुरी में आके राइट जब मारा सर्विस रोड से, तो हमारा जो क्लच है उसमें से बांस आ मारने लगा, 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर 6 नंबर गियर ही नहीं लग रहा था। फिर मैं गाड़ी बंद करके और गियर डाला और फिर उठाया गाड़ी, तो धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो धीरे धीरे मैं यहाँ पे लेके आया हूँ यहाँ से घोटी टोल के। पहले समृद्धि चढ़ने का था लेकिन मैं वहाँ से इधर आ गया, ऐसा लग रहा कि क्लच फेल हो गया। तो दोस्तों वही आया तो एक मिस्त्री को दिखाया यहाँ पे, तो मिस्त्री बोलता है कि आपका खुलना पड़ेगा, गियर उतारना पड़ेगा तभी मालूम पड़ेगा। तो मैं खाना बनाने वाला था, तो बोलता है कि यहाँ पे बाजू में गुरुद्वारा है वहाँ चल के खा लो, नहीं तो आप रुको मैं रोटी सब्जी बनाया हूँ वो ला के आपको देता हूँ वो खा लीजिए। तो गए हैं, मैं छतरी लिया तो वो छतरी लेके गए हैं और टिफिन लेके मेरा और उसमें रोटी लेके आ रहे हैं, मतलब कि ला के देता हूँ सुबह से तुम्हारा 5-6 बजे तक गियर उतारूँगा, समझ में आ जाएगा क्या प्रॉब्लम है। यही सब प्रॉब्लम आ गया दोस्तों, मैं खाना भी बनाने वाला था अब खाना भी नहीं बनाया, अब ये काम पड़ गया तो खाना अच्छा नहीं लगता है ना, यही सब है दोस्तों क्या बोलेगा, कब क्या हो जाए, कब कहाँ रुकना पड़ेगा, कब कहाँ हो जाएगा ये बोल नहीं सकते। तो मैकेनिक भाई दाल रोटी लेके आ गए देखिए, और देख के चले गए बेचारू, बोल रहे हैं कि तुम्हारा यहीं का रोटी लिखा था इसलिए तुम्हारा गाड़ी यहीं पे आ गया, और ट्राई कर रहा था तो ये गियर भी अटक गया है देखिए, ये जो ट्राई कर रहे थे ना तो गियर जब ऐसा लीवर लिया रिवर्स में तो ये भी अटक गया। अब बोलते हैं छेड़छाड़ मत करो, अब सुबह गाड़ी आके खोलेंगे, गियर उतारेंगे और काम करेंगे, देखेंगे क्या हुआ है। अभी बोलेंगे यहाँ रोटी और दाल खाना खा के और सो जाओ, सुबह आपका काम करेंगे। देखते हैं दोस्तों कैसा दाल है क्या मालूम, मैं तो खाना बनाने वाला था लेकिन यही लिखा है खाने का। तो दोस्तों खाना तो मैं खा चुका हूँ और अभी 11 बज गया है, अब चलता हूँ सोने, अब सुबह गाड़ी का काम कराएंगे दोस्तों, गियर का गियर उतरवाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्लच प्लेट डालना पड़ेगा, अभी क्या प्रॉब्लम है वो देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम ब्लॉग को इन करते हैं, फिर सुबह नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।